नस्तलंग में मिल गया। पार्ट फोर, जालियांवाला बाग मशक्कर। जैसा आप सभी जान चुके हैं, जालियांवाला बाग मशक्कर के पहले अगर 13 अप्रैल 1919 के पहले कि घटनास्थल पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है, 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि अंग्रेजी हुकूमत ने पीसफुल प्रोसेशन, अमृतसर के लोग जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शांतिप्रिय ढंग से प्रोसेशन कर रहे थे, रैली निकाले हुए थे, उस प्रोसेशन के ऊपर, उस रैली के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने फायर किया और इसका खामियाजा ये हुआ कि वहां की जनता भड़क गई और भड़कने के पश्चात जो है काफी हिंसात्मक कार्रवाइयां की गई, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ किया गया, रेलवे नेटवर्क को डिस्ट्रक्ट किया गया है, रेलवे लाइंस को उखाड़ फेंका गया था। तो इस प्रकार की एक्टिविटी जब हुई तो इससे क्लैंप करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत रिप्रेसिव पॉलिसी अपना चुके थे और हिंसा इतना बढ़ता जा रहा था कि वहां का लेफ्टिनेंट जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर था, उसने क्या किया कि अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ कुछ नहीं, एक सैनिक शासन है, सैनिक शासन है। इसका तर्क यह है कि अमृतसर की जो प्रशासन थी उसे सैनिकों के हवाले कर दिया गया था। अब जो है जालियांवाला बाग मशक्कर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जिसे हमें याद रखना होता है। अगर 1919 की बात करें तो उस समय भारत का वॉइसराय कौन था? चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वॉइसराय था जिस समय जालियांवाला बाग मशक्कर हुआ था। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तो मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे भारत के सेक्रेट सचिव रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है पंजाब का उस वक्त, जैसा मैंने लिखा है, माइकल ओ डायर। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, माइकल ओ डायर कोई और था और जनरल डायर कोई और था, दोनों का अलग अलग नाम है। जो डायर, जनरल डायर था वो आपका कमांडिंग ऑफिसर है जनरल जालियांवाला बाग का, जिसका नाम था आर डायर, रिग्नर एडवर्ड हैरी डायर, दिस इज द फुल नेम ऑफ आर डायर। तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, माइकल ओ डायर है समथिंग एल्स, वो अलग है जो कि उस समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और आर डायर कमांडिंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर था उस समय सेना, और इसी के हवाले, इसी के कमांड, इसी के नेतृत्व में अमृतसर की प्रशासन को दे दिया गया था। अब जब हम अमृतसर की जालियांवाला बाग के ऊपर आते हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु भी ध्यान रखिएगा कि इसके पहले 13 अप्रैल के पहले 10 अप्रैल तक ही वहां के दो प्रोमिनेंट लीडर, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी कहा, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है अरेस्ट कर लिया गया था। उस समय के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे वो दोनों। उनके अरेस्ट होने के बाद जनता में और भी जो है गुस्सा उत्पन्न हो चुका था, रॉलेट एक्ट के कारण उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब जो है 13 अप्रैल 1919 को बैशाखी का पर्व था। अमृतसर के आसपास के गांव से जो है बहुत सारे लोग जो हैं गुरुद्वारे में, स्वर्ण मंदिर जो गुरुद्वारा वहां के अमृतसर में है, वहां पे मत्था टेकने के लिए गए थे। चूंकि इस जालियांवाला बाग का जो आयोजन किया गया था उस व्यक्ति का नाम था हंसराज। ये नाम याद रखिएगा, ये महागद्दार था उस वक्त, क्योंकि इसने आयोजन भी किया और बाद में सरकारी गवाह बन करके अपना जान बचाने के लिए सरकारी गवाह भी बन गया था। ठीक है, तो ये हंसराज जो है आयोजन किया था घटनास्थल पे लोगों को इन्विटेशन, और ज्यादातर लोग जो लोग थे वो अमृतसर के थे ही नहीं, आसपास के गांव से, अमृतसर के आसपास के जो गांव कस्बा था वहां से लोग आए थे, और उन्हें मार्शल एक्ट के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी कि आखिर ये मार्शल एक्ट होता क्या है, सैनिक शासन क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में गए, वहां से लौट कर ये लोग पहुंचे कहां, जालियांवाला बाग। पहुंचने के बाद एक्चुअली लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को जो है बैसाखी की बधाइयां दे रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि 90% जो लोग वहां मौजूद थे, 90% जो है उस आयोजन का मतलब भी उन्हें पता नहीं था, वो तो सिर्फ बैसाखी के लिए वहां पहुंचे थे और उसी
के कारण से जालियांवाला बाग भी पहुंचे थे कि चलो अपने सगे संबंधियों को वहां पर जाकर हम एक दूसरे को जो है बधाइयां देंगे। 10% ही ऐसे थे जिन्हें उस समय के तत्कालीन हालात पर बात विचार कर रही थी। 10% ये लेस देन 10% की बात कर लीजिए। इस जालियांवाला बाग में एक और छोटा सा बालक था, याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा बालक था उस वक्त, उधम सिंह उसका नाम था, छोटा सा था उस वक्त। और जालियांवाला बाग में जब फायरिंग होने लगी थी तो उधम सिंह को भी गोलियां लगी थी पर उसकी जान बच गई थी। अब देखिए हुआ क्या था, जालियांवाला बाग की सूचना जो है जनरल आर डायर को मिलती कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस सूचना के बाद जनरल डायर जो है वहां पहुंचता है। एक ही वो ऐसा जगह था, ऐसा बाग था, इसमें एंट्रेंस एक ही थी, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थी, एक एंट्रेंस था, अंदर जाने के लिए एक ही दरवाजे थे, लोग जाते थे। उस एंट्रेंस को जनरल डायर ने, जनरल आर डायर ने ब्लॉक कर दिया बिना किसी चेतावनी के। कोई चेतावनी नहीं, कोई वार्निंग नहीं, जनरल आर डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया। उस बाग ने, मैं ये कहते कहते मेरे हाथ मेरे रोए खड़े हो चुके हैं, उस बाग के बीचों बीच में कुएं थे। जब गोलियां चलने लगी अंधाधुन तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कई ऐसे थे जो कुएं में कूद कूद रहे थे, कई आप कह सकते हैं कि कुएं में कूदते कूदते वो कुआं जो है इंसानों से भर चुका था। जैसे कुआं पानी से भरता है ना, उसी प्रकार से इंसानों से भर चुका था। अब आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि कुआं में कूदते कूदते वो इंसान से लाशों से भर चुका था। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें कहा गया है 379, 300 से कम लोग ही सिर्फ मारे गए थे। 1200 के आसपास इंजरी, ये ब्रिटिश हुकूमत की ऑफिशियल रिकॉर्ड थी जिसमें कहा गया कि मात्र 379 लोग ही मारे गए, 1200 जो इंजर्ड हुए हैं। ये सच नहीं था। जैसे मैंने आपसे कहा 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जिसे अमृतसर इंसिडेंट भी कहा जाता है, अमृतसर मैसेकर, अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। इस समय पंजाब अमृतसर का जो संभालने की बात थी तो माइकल ओ डायर ने पूरा जिम्मा जो है उस समय ब्रिगेडियर जनरल रिगनायल डायर को हवाले कर दिया था। एज पर अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड, मैंने इसे बताया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो 379 और इंजरी की बात करें तो 1200। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस इंजरी घटना का जब एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा उनके अनुसार से कुल 1500 के आसपास लोगों के मारे जाने की खबर की सूचना थी और 1700 से ज्यादा जो लोग जो हैं इंजर्ड होने की बात कही गई है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जो है 379 से कुछ भी ज्यादा नहीं बताई अपने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे। स्वामी सहजानंद की बात करें तो स्वामी सहजानंद, ठीक है, जो कि रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी स्वामी सहजानंद को भी कहा था कि इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, तो आंदोलन में से सहजानंद ने क्या किया था, लोगों से कहा था कि हमें रेवेन्यू नहीं देना है, कर नहीं देने की बात कही थी। स्वामी सहजानंद के अनुसार से जो है जालियांवाला बाग में कुल 1300 लोगों के मारे जाने की शंकाएं थी और 1500 से ज्यादा इंजरी की बात की गई। लेकिन उस समय के सिविल, अमृतसर के सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ, उनके अनुसार से 1700 लोग मारे गए थे और उसे कहीं ज्यादा इंजरी की बात की गई है। डॉक्टर स्मिथ जो उस समय अमृतसर में सिविल सर्जन के रूप में काम कर रहे, अब समझिए कि जनरल डायर उस वक्त जालियांवाला बाग में शक्कर में क्या हुआ होगा। मैं कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि बाग, सपोज मान लिया जाए कि ये जालियांवाला बाग है, ठीक है,
और इसमें एक ही एंट्रेंस थी, ये इसकी एंट्रेंस है और बीच में कुआं था। बहुत सारे लोग यहां पहुंचे हुए थे, बहुत सारे लोग जो हैं यहां बैसाखी 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग पहुंचे थे। कुछ अमृतसर के लोकल भी थे, कुछ और में अधिकांश लोग जो हैं अमृतसर के आसपास के गांवों से मौजूद थे। और यहां आने का मकसद क्या था, तो इस वक्त जो है सेलिब्रेशन बैसाखी का पर्व मनाने के लिए ये लोग गांव से अमृतसर पहुंचे थे कि गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां मत्था टेकेंगे और जालियांवाला बाग का आयोजन गद्दार हंसराज के द्वारा आयोजित किया गया था। और वहां पहुंच करके एक दूसरे को, अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को बधाइयां देंगे। 90% इन लोगों में से 90% को यह पता नहीं था कि जालियांवाला बाग में जो आयोजन किया गया है किस मकसद से किया गया है। सम 5-10% ही जानते थे कि यहां क्यों हम लोग आए हैं और क्या करना है यहाँ पे। अधिकांश ये सोच के आए थे अपने सगे संबंधियों को गले मिलकर बधाइयां देंगे, बैसाखी के पर्व का बधाइयां दिया जाएगा। देखिए बैसाखी के पर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप रखना चाहेंगे, 13 अप्रैल 1659 को जो हुआ था क्या कि 13 अप्रैल 1659 को ही खालसा पंथ का जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ का शुरुआत किया गया था सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और तब से जो है बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था 13 अप्रैल के दिन। यहाँ पर भी भाई उसी 13 अप्रैल के दिन था तो बैसाखी का पर्व जो है मनाने के लिए पहुंचे थे ये सारे लोग, बैसाखी का पर्व मनाने के लिए पहुंचे थे। अब बैसाखी के पर्व में मैंने जैसे बताया 90% को तो पता नहीं था, इवन 90% लोगों को ये पता नहीं, जो अमृतसर के गांव वगैरह थे उन्हें मार्शल लॉ के बारे में भी नहीं पता था, नहीं जानते थे मार्शल लॉ। वैसे ही हो गया जैसे हमें अगर साउथ के कुछ हीरोज की बात किए जाएंगे कि 60s में कौन साउथ का सबसे सुपरस्टार कौन था, हम नहीं बता सकते। तो इन्हें भी पता नहीं था कि भाई हम जा क्यों रहे, क्यों वहां पे आयोजन किया गया है जालियांवाला बाग में, लोगों को क्यों बुलाया गया है। पहुंचते हैं ये लोग 5-10% पहुंच जानते थे कि वहां जाकर उस समय की तत्कालीन पंजाब की तत्कालीन सिचुएशन के ऊपर बात भी करनी है, दूसरे से राय मशवरा करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत जो है हमारे ऊपर रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाई जा रही है, हमारा शोषण किया जा रहा है, हम इससे कैसे बचेंगे और हमें क्या करना होगा। 5-10% इस बीच में जनरल डायर सूचना मिलता है और वो जो है अपनी गाड़ी से पहुंच जाता है घटनास्थल पे अपने सैनिकों को लेकर के, ठीक है, और यहां से इन करता है और चारों तरफ जो है ब्रिटिश हुकूमत जो है अपनी बंदूकों लेकर के जो है तैयार, घेर लिया जाता है यहां के सभी लोगों के ऊपर। अब ये ब्लॉक, ये जो रास्ता है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, यहां से अब कोई निकल नहीं सकता था, ये बीच में कुआं है, ठीक है। अब बिना चेतावनी जनरल डायर मैदान में उस जगह पर फायरिंग का आदेश देता है अपने सैनिकों को, ठीक है। अब जो सैनिक फायर, कुल 1650 राउंड गोलियां चली थी, 1650 राउंड गोलियां। सोच सकते हैं आज भी जालियांवाला बाग आज शहीद स्मारक बना हुआ है और उन गोलियों के निशान आज भी उन दीवारों पर मौजूद हैं, जो ये दर्शाती है कि किस प्रकार से मानवता का हनन किया गया। एक हेनियस एक्टिविटी के रूप में इसे जाना जाता है, हेनियस एक्टिविटी जिसकी बैकग्राउंड 10 अप्रैल 1919 को ही रच दी गई थी। जब जनता विरोध करना शुरू किया, थोड़ा हिंसात्मक हुआ कि हमारे पीसफुल प्रोसेशन, हमारे डिमांड को भी सुना नहीं जा रहा, उस पर हमें गोलियां चलाई जा रही है, तब जाकर भारतीय जनता, अमृतसर की जनता जो है खिलाफ करना शुरू किया।
और 13 अप्रैल 1919 को तो फिर कहना ही नहीं था। इसके बावजूद 13 अप्रैल 1919 के बावजूद भी एक और घटना घटी थी जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे पंजाब के गांव में, गांव आता है नाम गुजरांवाला, अभी पाकिस्तान में है, वहां पर के किसानों को, ग्रामीण लोगों के, उस गांव के लोगों को एक जगह कैद कर लिया गया और उस पर एयर स्ट्राइक किया गया। एयर स्ट्राइक, हवा से बम गिराए गए, कई गांव जो है इसी प्रकार बम से उड़ा दिए गए थे। ये जालियांवाला बाग के बाद की कहानी है। आपका बुक लिखता है आपकी बुक में इस बात की चर्चा की गई है कि जनरल डायर अपनी तरफ से स्टेटमेंट देता है, मैं तो सिर्फ मोरल इफेक्ट लोगों के ऊपर लाना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ मोरल इफेक्ट। और जो सत्याग्रही हैं, जो इस समय आंदोलन कर रहे थे, उनमें डर की भावना उत्पन्न करना चाह रहा था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जब इस घटना का समाप्त होता है, जनरल डायर अपने ऑफिस में पहुंचता है, जनरल डायर अपने ऑफिस में पहुंचता है और उस वक्त जो है अपने सीनियर्स को ताब लिख के भेजता है कि जालियांवाला बाग में जब मैं पहुंचा तो वहां पे मौजूद लोगों ने हम पर पहले आक्रमण किया, जिसके वश में हमें गोलियां चलानी पड़ी। माइकल ओडायर, जो कि उस समय गवर्नर था, डिप्टी गवर्नर था, उसने कहा आपने जो किया सही किया है। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की घटना फैलना शुरू होता है पंजाब में, वैसे वैसे जो है घटनाएं, भारतीयों का गुस्सा जो है निकलकर सामने आता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि लोग जो है घरों से निकलकर सड़कों पर आ चुके थे, इतनी गुस्सा उनमें थी कि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जा चुके थे। और जालियांवाला बाग घटना के अवज में कई जगहों पर स्ट्राइक्स बुलाए गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया था। क्लासेस, इस घट गुस्सा की वजह से जहां पर लोगों को पुलिस वगैरह दिखाई पड़ता था, उन पुलिस के साथ जो एविडेंस के जो पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ इनकी क्लास हो जाती थी, मारा पीटी हो जाता था, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देते थे। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो भी सरकारी दफ्तर थे, चाहे वो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस, ऐसे कई बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया जाता है, उस पर आक्रमण किया जाता है। लेकिन कहां इन सब घटनाओं के साथ ब्रिटिश हुकूमत कहां शांत रहने वाले थी। पूरी घटना को जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था, लोग हिंसात्मक होते चले जा रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेसिव पॉलिसी जो है अडॉप्ट कर लिया था, या कह लीजिए 1919 रिप्रेसिव ईयर ही रहा है। अगर बात किया जाए 1919 की, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग, खासकर जालियांवाला बाग में शक्कर, भारत की आजादी की प्रस्तावना था और भारतीय इतिहास के लिए ये टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा दौर आया कि यहां पर से भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रता के प्रति जो है एकजुटता दिखाई देना शुरू हुआ था। और इसी समय जो है कह लीजिए कि जालियांवाला बाग में शक्कर जो है पूरी भारत की आजादी का एक प्रस्तावना, प्रियम्बल गठित कर दिया। और लोगों को इस समय यह समझ में आ चुका था कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जो है सर से ऊपर पानी जा चुका है, अब हमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है एक्शन लेना होगा। और जब तक हम जो है इसका विरोध नहीं करेंगे, हम ऐसी दमनात्मक पॉलिसी से बच नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें तो इस घटना के अवज में कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी मेडल्स और पदके और टाइटल्स का भी जो है त्यागपत्र दिया था। जैसा मैंने कहा कि भाई ब्रिटिश जो है ब्रूटल रिप्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया था पूरी सत्याग्रह आंदोलन के खिलाफ, उसने क्या किया? देखिए, पहला चीज, भारतीयों को बेइज्जत करने का पूरा प्लानिंग किया और उनमें डर, भय, आतंक पैदा करने का प्लानिंग कर लिया, जिसके अंतर्गत सत्याग्रही जो पकड़े जाते थे, जिन पर कब्जा कर लिया जाता था, उन्हें मजबूर किया जाता था
कि वो अपना नाक जमीन पर रगड़े। देखिए नाक लिखा है, एनसीईआरटी की बुक है तो निगेटिव बातें नहीं लिखी है। नाक रगड़ने के लिए जमीन में क्राउल रेंगने के लिए कहा जाता था। सच्चाई ये है कि उस वक्त भारतीयों को जो है थूक चाटने के लिए भी मजबूर किया जाता था। जूतों को नाक से साफ करने के लिए कहा जाता था। ये मजबूर किया जाता था कि तुम जितने अंग्रेज अफसर यहां मौजूद हैं उस घटना स्थल पर उस जगह पर उन सभी को तुम्हें सलाम ठोकना होगा, उन सभी इंग्लिश साहब को सलाम ठोकना होगा। ये सब कुछ जो है इस समय ब्रिटिश हुकूमत फॉलो किया था अपने ब्रूटल रिप्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत में, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता को ह्यूमिलिएट तिरस्कृत करने के लिए, उनमें डर और भय पैदा करने के लिए। अब जिस प्रकार से हिंसा बढ़ रही थी, महात्मा गांधी जालियांवाला बाग कांड के वर्ष में उसे जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और उसमें हिंसाएं बढ़ते चली जा रही थी, ब्रिटिश हुकूमत भी आंदोलन को क्लैंप करने के लिए रिप्रेसिव पॉलिसी अपना चुकी थी। फाइनली महात्मा गांधी जो है जालियांवाला बाग मैसेकर से जुड़े हुए आंदोलन को बंद करने का, कॉल्ड ऑफ करने का निर्णय लेते हैं। देखो यहां जैसे कुछ नाम आप देख रहे हैं, श्री शंकरन नायर, महात्मा गांधी, आर एन टैगोर, जंगालाल, ये कुछ लोग थे जो कि जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद इन्हें जो कुछ प्राप्त हुआ था अंग्रेजी हुकूमत से ये वो वापस कर रहे थे। श्री शंकरन नायर उस समय वॉइसराय काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे, सदस्य थे, उन्होंने अपने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। श्री शंकरन नायर ने वॉइसराय काउंसिल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी को इसने बोर पदक मिले थे, ठीक है, वो उस पदक को मेडल को वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ये भारत विश्व एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था और इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस लौटा दिया। जमनालाल बहाजाज को बहादुर की उपाधि दिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत में, बहादुर जिनके नाम के आगे लग जाता था बहादुर चंद्रलाल, तो ये टाइटल जो दिए गए, मेडल्स दिए गए हैं, ठीक है, उन सभी को इन्होंने वापस करने का निर्णय लिया था और इसका कारण था जालियांवाला बाग मैसेकर। जिस प्रकार की हालात बन गई थी, अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर भी दबाव बन रहा था कि जालियांवाला बाग में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई को सामने लाना है, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत अक्टूबर 1919 को एक हंटर कमेटी गठित की गई। हंटर कमेटी, लॉर्ड हंटर जो है इसके चेयरपर्सन थे। कुल मिलाकर इसमें 7 मेंबर रखे गए थे जिसमें 3 भारतीय थे और 8 मेंबर थे, 5 अंग्रेजी रखे गए थे, अंग्रेज इंग्लिश। हंटर कमेटी हुआ कुछ नहीं, जब तक हंटर कमेटी अपनी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती तब तक जो है जनरल डायर को जो है वापस लंदन भेज दिया जाता है और वहां भेजने के पश्चात दिल्ली में हंटर कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद इसका फाइनल जो होना था वो लाहौर में होना था बैठक, और उसमें ही जनरल डायर को लिखित रूप से भेजा भी गया था कि आपको यहाँ प्रस्तुत हो रहा होगा। और उसी प्रस्तुत में ही उसी समय उनसे जब सवाल पूछे गए थे तो वो कहते हैं कुल लगभग 200 लोग मारे गए होंगे और 300-400 लोग के आसपास जो है घायल हुए होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ लोगों में जो है डर और आतंक पैदा करना चाह रहा था और मेरा कोई मकसद रहा नहीं है, मैं इंटेंशनली किसी को मारने नहीं गया हूं। बहुत आसानी से जब ये लंदन मतलब कि आपके जनरल डायर जब लंदन पहुंचता है तो वहां की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनके लिए तो तालियां बजाई गई और इन्हें ब्रिटिश हुकूमत का साम्राज्य का लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहकर बुलाया गया, एक तलवार दिया गया उनकी बहादुरी के लिए, एक तलवार दी गई, सेवियर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के नाम से टाइटल दिया गया, सेवियर ऑफ पंजाब का टाइटल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड
कि दो बार में दो बार जो है वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस घटना का क्रिटिसाइज किया है, आलोचना किया है, उनका अपना एक राय रहा कि ये जो हुआ वो कदापि सही नहीं था, पर ये घटना तो घट चुका था, ये घटना घट चुका था। और इसके ठीक 21 साल के बाद, अगर हम बात करें 21 साल के बाद, मैंने पहले ही एक नाम लिया था कि जलियांवाला बाग में एक छोटा सा बालक मौजूद था, उधम सिंह। कार्लस्टन कैक्सटन हॉल, यहां पर एक मीटिंग होने वाली थी जहां पे माइकल ओ डायर साहब को बुलाया गया था, ठीक है, और उनका भाषण या स्पीच होना था वहां पे। उधम सिंह जो है 1940 सालों के बाद इंग्लैंड लंदन पहुंचे, और लंदन पहुंच के वहां पर वो पता कि कहां पे माइकल ओ डायर रहता है, तो उन्हें पता करते करते एक दिन पता चला कि जनरल माइकल ओ डायर जो है, जो गवर्नर था वहां का, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, वो उसकी एक स्पीच होने वाली है लंदन के कैक्सटन हॉल। इस कैक्सटन हॉल में ये पहुंचता है, टिकट लेता है, एक सदस्य के रूप में पहुंचता है, किताब में बंदूक को छिपा करके वो अंदर ले जाता है, कौन, उधम सिंह। और जैसे ही स्पीच की शुरुआत होने लगती है माइकल ओ डायर की, वो अपने सीट पर से खड़ा होता है और सीधे माइकल ओ डायर की तरफ गोलियां चलाता है, जिसमें एक गोली जो है उसके सीधे दिल में आकर लगती है और घटनास्थल स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कई गोलियां चलाई जाती है। उसके मर जाने के बाद वो कुछ नहीं, अपने आप को यहां तक भी वो वहां से भागने का नहीं प्लानिंग किया कि मुझे जान बचानी हो, क्योंकि वो जानता था कि मैं भाग कर जाऊंगा कहां, पकड़ा तो जाऊंगा ही मैं, इसलिए वो भागा नहीं। जब गोलियां मार दी, पुलिस अंदर आई, तब भी वो वहीं खड़ा रहा और वो उस वक्त कहा, मैं जो करने आया था मैंने कर दिया, मैं अपने अंदर अपनी प्रतिशोध का बदला आज 21 सालों के बाद मैंने पूरा कर लिया। और वो बंदूक जो लेकर आया था उसे वो थमा देता है और अपने आप को अरेस्ट करवाता है। जब उधम सिंह को फांसी पर लटकाई जा रही थी तो उधम सिंह से पूछा गया आखिरी ख्वाहिश, तो कहते हैं आखिरी ख्वाहिश पूछने का क्या, तू बनता है आप तो मुझे रिहा करोगे नहीं। फिर भी वो कहते हैं कि मैं हर बार, अगर मुझे दूसरे जन्म भी मिलती है तो मैं हर बार ऊपर वाले से कहूंगा कि मुझे माँ भारती यानी भारत में ही पैदा करना, और मैं हर बार माँ भारती की सेवा करते हुए अपनी जान अपने प्राणों की आहुति देना पसंद करूंगा। दूसरी जो इच्छा इनमें थी, उन्होंने कहा, इतना ही कहा जाते जाते और हंसते हंसते कहते गए कि भाई मुझे कहीं भी दफनाना, पर मेरे लोगों के आसपास ही दफनाना, मुझे वहां दफनाना जहां राजा राम मोहन रॉय को दफनाया गया है, कम से कम वहां पर तो भारतीयों का सोहबत मुझे नसीब हो, कि इनकी कुछ आखिरी शब्द रहे हैं। और हंसते हंसते जो है उधम सिंह फांसी पर चढ़ गए। मैं इन वीर देश भक्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ये वो नायक हैं जिसकी वजह से आज हम आजाद भारत में रहते हैं। और आज के नवयुवकों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने गुस्सा को आप पालिए, अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाएं, किसी गलत संगति में ना पड़े, किसी के बहकावे में मत आए, आप वो करें जो सत्य है, और सत्य की परख रखना बहुत जरूरी है। इस पूरे अध्याय से हमें यही सीख मिलता है कि अपने अंदर की अग्नि, अगर आप उधम सिंह की बात करें उनके अध्याय से, तो यही समझ में आता है कि अगर अपने अंदर की अग्नि को आप प्रज्वलित करके रखेंगे तो एक दिन आपके अंदर जो भावना है, जो लक्ष्य है, उसे आप पूरा कर पाएंगे। कहा उधम सिंह 1919 में एक छोटा सा बच्चा जिसे गोलियां लगी थी फिर भी वो बचा, और उस घटना के 21 सालों के बाद सात समंदर पार जाकर के लंदन में जाकर के कैक्सटन हॉल में अंग्रेजों की जमीन पर माइकल ओ डायर को अंग्रेजों के बीच में ही गोलियां मार दी। ये कब और कैसे संभव हो सका? डिटर्मिनेशन, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आशान्वित रहना,
भटके नहीं मार्ग से। अगर वो ये सोचते अब तो जो बीत चुका है मेरा जो जड़ गया जड़ ही गया, अब उसे कहां लंदन में जाकर देखूं, तो शायद उधम सिंह नहीं गया होता और लंदन में नहीं मारा जाता। आने वाले कुछ समय में उधम सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से करूंगा, उनके जीवन में कैसे बीता, किस प्रकार के संघर्ष उन्हें करना पड़ा है, इसकी चर्चा मैं उनकी बायोग्राफी के साथ करूंगा। अभी महात्मा गांधी की बायोग्राफी चल रही है। मैं आपसे अंततः यही अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को देखें, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अनुरोध है आपसे अगर चैनल आपको ये लगता है कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो दे रहा है, नॉलेज में मिल रहा है, तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए वरदान किस तरह होगा। जय हिंद, जय भारत।